तो जय परमेश्वर परम प्रभु और परम पुरुष प्रणमाम आदि शक्ति आनंदमयी और अखिलेश्वरी नमः। तो महावीर अंजन सुवन में धने तुम्हारो ध्यान पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि मकोटि प्रणाम। तो भक्त भजन भावे तुम्हें अरुहे देवन के देव लाज रखो संकट हरो कैलाशपति महादेव। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए गौर करते हैं अजय कैसेट कंपनी में ध्रुव मंडल की प्रस्तुति में डॉक्टर दयानंद ध्रुव वेदांताचार्य काशी हमारे गुरुजी की असीम अनुकंपा से ये आप लोगों के समक्ष में ऊधों गोपी संवाद एक नवीन कहानी लेके चल रहे हैं और परम श्रद्धे परम पूजनीय पिताजी प्रमोद शास्त्री जी के असीम आशीर्वाद से आइए गौर करते हैं अजय कैसेट कंपनी में और गुरुदेव जी का मोबाइल नंबर है 94-12-61-67-74। मैं राजू शास्त्री जो ग्राम नगला केवल का रहने वाला हूँ आप लोगों के समक्ष ये ऊधों गोपी संवाद के बारे में लेके चल रहे हैं। जिस समय भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण मथुरा के लिए चले आए वृंदावन में परसों का वायदा करके, लेकिन परसों की बरसें बीत गई जब वापस लौट के नहीं गए तो बड़े दुखी हैं वृंदावन के लोग। लेकिन एक दिवस भगवान कन्हैया महलों में बैठे हुए हैं अकस्मात उन्हें जब याद आई हुआ क्या। एक दिवस निज महल में और बैठे थे घनश्याम याद आई गई श्याम को मेरो सुनो है ब्रज धाम। भगवान कन्हैया जब आंखों में आंसू लेकर के और रोने लगे और भगवान कन्हैया सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं कि मन में हर सोची मदन मुरारी बोली झूठ मैंने हाँ, रो बती हुई
भगवान कन्हैया और मन में विचार करते हैं, लेकिन आंखों में जब आंसू आ गए तो बैठे तो हैं भगवान कन्हैया। अकस्मात भगवान कन्हैया के पास में उद्धव जी आ जाते हैं, और जब उद्धव जी आए, उद्धव जी ने सवाल किया भगवान कन्हैया से। जब चेहरा उदास देखा, सुस्त देखा, तो उद्धव जी पूछ बैठे किन से? भगवान श्याम सुंदर से। और बोले, क्या बोले? उधम पास में आए रे, उधम पास में आए रे, बचन कहे समझाए रे, हर पल कलियों से तुम खिलते क्यों रहे हो मुरझाए रे। क्या बात है मनमोहन, हमेशा तुम कलियों की तरह खिलते थे जब भी आते थे हम तक, लेकिन आज क्या बात हो गई जो आपका चेहरा इतना सुस्त मैंने कभी नहीं देखा, और पूछ बैठे। अरे चंदा सी चितवन पे चेहरा, चंदा चांद चमकोरा है, झलक झलक में झलक झले और झलक झकोरा है। अरे चंदा सी चितवन पे चेहरा, चंदा चांद चकोरा है, झलक 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 झले झलक झलक झकोरा है। और कहा झलक ना रही झलकाए रे, पलक झलक रही जाए रे, हर पल कलियों से तुम खिलते क्यों रहे हो मुरझाए रे। तुम्हारा चेहरा कलियों की तरह खिलता था, क्या बात पूछ बैठे। अरे प्यारी 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 पलकी, प्यारी अदा थी अति न्यारी, प्यारी प्यारी प्यार की चितवन, प्यारी परखन थी प्यारी। सवाल कर दिया मनमोहन, अगर कोई बात है तो हमें बताओ, तुम इतने उदास क्यों हो? और जब ये सवाल किया तो कन्हैया ने समझाया उद्धव, क्या बताएं हम तुम्हें, और अब पूछ ही रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, हम वृंदावन से परसों का वायदा करके चले आए, लेकिन
बरसें बीत गई वापस नहीं गए, क्या दशा होगी। लेकिन उदा ऐसा करो, हम पत्र लिख रहे हैं और वो पत्र तुम वृंदावन के लिए ले जाओ। और उधों से कहा कन्हैया ने के उधा वृंदावन जइयो मैया से जो जई कहियो यादी कर तू तेरी ले जाओ। और उधो तुम्हें नहीं मालूम है, अरे वृंदावन को कंकड़ पत्थर मेरी याद में झूम, वृंदावन को कंकड़ पत्थर मेरी याद में झूम, अरे वृंदावन को पात पाता तुम ऐसा करो वृंदावन के लिए पत्र लेके चले जाओ और समझा देना वृंदावन के लोगों को। पत्र लिख के उधों को दिया। देखिए वो पत्र उधों के यहां तो क्यों भिजवाया गया, किसी और को भी दे सकते थे भगवान कृष्ण। उधों को ये घमंड था कि हमारी बराबर कोई भगवान का भक्त नहीं, तो पत्र दे दिया। अब उधों लेके चले वृंदावन में घुसही रहे थे अकस्मात उन्होंने वृंदावन की दशा निहारी, दशा देखी, हैरान हो गए। वो दशा वृंदावन की दशा जो थी भगवान के जाने के बाद, कि हरियाली हरी आली बन कर और उन हरि को रही के बाद वो दशा हो गई वृंदावन की, कि हरियाली हर की आली बनकर भगवान को बुला रही है। इधर उधों आगे बढ़े, चलते चले गए। जब नंद बाबा यशोदा के यहां पहुंचे, सारी रात कन्हैया की बातों में व्यतीत की, तो यशोदा ने रो करके कहा, उधों तुम्हें भेज दिया, श्याम खुद नहीं आ सके, इतना वक्त नहीं है श्याम के पास। तो
उन्होंने कहा तुम चिंता न करो वो आएंगे जरूर, लेकिन माँ एक बात बताओ, तुम कहती हो कन्हैया मेरा लाल आए, लोग कहते हैं वो देवगी के लाल आए, क्या बात है? बोली उधो वही तो ऐसा हुआ कोयल और कागा वाला, मतलब ये तुम नहीं समझोगे उधो। बोली कि वो कन्हैया उधो, वो कन्हैया चलो जवाब दिया यशोदा ने उधो भाई हिसाब हुआ कोयल और कागा वाला, कोयल के पुत्रों को कागा पालता है लेकिन बाद में कागा को कुछ नहीं मिलता, और श्याम को हमने पाला बड़ा किया लेकिन हमें छोड़ करके और कन्हैया चले गए, उधो क्या वो नहीं आएंगे? उधो ने कहा तुम चिंता न करो हम जा रहे हैं और कन्हैया से जरूर कहें वो जरूर आएंगे। अब उधो चले, चलते चले गए वृंदावन से निकल ही रहे थे, अकस्मात इनकी नजरी एक कुआ पे पहुंच गई और कुआ पे देखा, देखते ही रह गए, कुआ पे था क्या? कुआ पे भगवान कृष्ण के विरह में जो वृंदावन की बालाएं थी, भगवान कृष्ण के विरह में डूबी हैं, ये नहीं ध्यान हम कर गया रहे, मतलब कि कोई घड़ भरे घाट पर ही और घंटों से खड़ी दिखाती है, लेकिन पानी भरने का ध्यान है ही नहीं किसी को, भैया सुनील भगवान के प्रेम में इतनी दीवानी हो चुकी थी गोपियां, अगर कोई गोपी घड़ा भरने के लिए कुएं में डाल देती है तो उसे डुबोने का ध्यान नहीं है न उठाने का ध्यान है, अगर किसी गोपी ने रस्सी में घड़ा फंसा लिया तो उसे कुएं में डालने का ध्यान नहीं, दशा दूसरी बन गई।
वृंदावन की गोपियों की दशा बहुत बुरी है। भगवान के प्रेम में इतनी दीवानी हो चुकी थी गोपियां, आपस में बातें कर रही हैं, पूछ रही हैं, बहन क्या भगवान अब नहीं आएंगे? सखियां आपस में बातें कर रही हैं, क्या भगवान सच में अब नहीं आएंगे, कब आएंगे? तो आपस में बातें करती हुई बोली, क्या गोपियां एक दूसरे से बातें कर रही हैं कि सखीरी, गोपियां बातें करती हुई बोली, क्या बोली, सखीरी कब आई है मन, बातें कर रही हैं, बंसी बजावत धेनु चरावत कब लई हैं चित कर रही हैं, क्या भगवान बिल्कुल नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे? तो गोपियां पूछ रही थी, अकस्मात एक चंद्रा नाम की लड़की आगे बढ़ी और गोपियों को समझाते हुए बोली कि तुम ये पूछ रही हो कि कब आएंगे भगवान से, हमसे पूछो, हम बताएं कब आएंगे। बोली चंद्रा ने कही, अरे वे निरमोही इतनी जल्दी क्यों आए हैं, तब आए हैं उनके भी रही जब तड़प तड़प मर जाए। तो लड़की बोली, तुम दे पूछ रही हो कब आए, सुना वो अभी नहीं आए, जब हम और तुम उनकी विरह वेदना में रो रो करके मर जाएंगे तब आए। बोली एक जाने पर भी खड़े सुन रहे थे, लेकिन अक्सबात एक गोपी की नजर
उदों पे जब पड़ी बही पीतांबर बही रथ और बही बंसी जब देखी तो एक बार को ऐसा लगा भगवान कन्हैया आ गए। एक गोपी गोली भगवान श्याम आ गए लगता है बहन। और जो ये शब्द सुने तो गोपी भागी और जब कन्हैया को नहीं पाया देखा है कि कोई अजनबी है। सवाल कर दिया कौन हो तुम हैं जो भी हो चलो बैठो। बोली क्या बोली सवाल कर दिया उधों से वो चतुर बटोहीन दुई गड़ी अनुपे बिलमयो भैया प्रदीप या माया पानी बीती गई रही है हमें अपनी बीती कही रही है और तुम्हें अपनी बीती समझी हो हमें अपनी बीती कही रही है सुकबीर जब उदों से ये सवाल किया तुम कौन हो कहां से आए हो क्यों आए हो तो उदों गोपियों से बोले तुमने हमें पहचाना नहीं हम कौन है हैं कौन हो उदों ने कही है बिहार मथुरा नगरी से आया लोगन के समझने को संदेशो कृष्ण को लाया जवाब दिया उदों से गोपियों ने कहा अच्छा अब समझ में आया तो तुम मथुरा से आए हो कन्हैया के भेजे भाई हाँ क्या करने आए लगता है तुम भी अक्रूर के साथी हो मतलब ये अक्रूर आए वो हमारा जीवन धन ले गए और तुम जीवन लेने आए हो क्या है क्यों आए हो तो उधों ने कहा आप हमें गलत समझ रही हैं। बोले हम नहीं समझ रही बता बोले हम ये कन्हैया का पत्र तुम्हारे लिए लेके आए। अच्छा कन्हैया स्वयं नहीं आ सके तो चंद्रा नाम की लड़की जली गई और बोली पीछे हटो क्या कहा उदों कन्हैया का पत्र लेके आए हो लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है उदों चंद्रा ने कही धीर के लिए और कागज कुछ काम न करते लेके चले आए लेकिन तुम्हें न मालूम है उदों
बन के सूखे पड़े वहे जीवन के सूखे पड़े वहे पत्तों से कुआन भर जिनको श्याम से स्वयं मिलकर भी मन चाहा धीर नहीं आ सकता उनको ये कागज का टुकड़ा क्या धीर बनाएगा। उधो जिनको मोहन से मिलकर भी मन चाहा धीर नहीं आए उनको ये कागज का टुकड़ा उनको ये कागज का टुकड़ा और क्या कुछ धीर बधाएगा। जवाब दिया उधो ये पाती लेके तुम चले आए भगवान का खत लेके चले आए लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि जिनको भगवान कन्हैया से स्वयं मिल करके मन चाहा धीर नहीं आ सकता और ये कागज का टुकड़ा क्या धीर बनाएगा। उधो तो उधो कहने लगे क्षमा कीजिए श्याम को और बहें बिल्कुल लाहजार तो मैं पता है श्याम को एक प्रेम पात्र आधार। जवाब दिया भगवान श्याम किसी कार्यवश बिजी हैं वो आ नहीं सकते उनके पास समय नहीं है और समय मिला वो आएंगे जरूर। चंद्रा नाम की लड़की बोली लगता है बीती बातों को भूल गए। मतलब ये उधो तो मैं नहीं मालूम कि क्या भूल गए गुलचे खाना या चोरी करना छोड़ दिया इस प्रेम दीवानी भोली सी इस प्रेम दीवानी भोली सी राधा से रिश्ता तोड़ दिया। राजसी भोग में पढ़ करके हम मूल के योग
जवाब दिया, कन्हैया बीती बातों को भूल गए, अरे हम जरा से माखन के पीछे उन्हें नाच नचाती थी, और आज हमारे लिए पत्र लिखे भेज दिया है। अब उधो सोचने लगे, ये तो भगवान की बहुत बड़ी भक्ति ने। तो उधो ने कहा, भाई ये तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या है जो कन्हैया तुम्हारे बीच में रहे खेले, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है राधा भगवान स्वयं अवतारी हैं, भगवान हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। राधा आगे बढ़ी, उधो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब ये बोली राधा, अरे दुनिया के लोग कहें कुछ भी, हम एक धारणा धारे हैं, वो न रहे या नारायण, पर हमको प्रियतम प्यारे। भैया प्रदीप भाई, मैंने तो उन्हें और दृष्टि से देखा है। क्या चलो कोई बात नहीं, पत्र लिख दिया और नहीं आए, अब ना आए यहां पर, हमारे लिए ये पत्र लेके भेज दिया, स्वयं नहीं आ सके, हमारे लिए इतना समय नहीं है भगवान के पास। उधो ने जब ये कहा कि वो साक्षात भगवान है, तो राधा बोली, उधो मैंने तो उन्हें कुछ और माना है, मेरा तो संबंध उनसे कुछ और है। क्या संबंध है तुम्हारा भाई? बोली मैंने तो उन्हें अपने प्रीतम की दृष्टि से देखा है उधो। अब उधो का घमंड नीचा हो गया कि सच में राधा तुम जैसी भक्तिन भगवान की हो ही नहीं सकती, लेकिन राधा तुम इतनी बड़ी भक्तिन हो और फिर भी कन्हैया तुम्हें छोड़े गए, क्यों क्यों? राधा बोली यही तो पता नहीं क्यों छोड़े गए। उधो बोले क्या कोई भूल हुई थी? उधो यही तो सोचती हूँ आज तक, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, केवल जाते वक्त इतना पूछा था तुम कब आओगे, उन्होंने कहा परसों आ जाएंगे, इसके अलावा कि मैंने कछु नहीं कही, हरे कौ बात नहीं कही, और जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही। भैया जय राधा बोली, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मैंने कछु नहीं कही, एक बात नहीं कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही। वृंदावन में घर घर का उन्होंने माखन खाया है, है? कौन सी भूल बन गई हमसे, रूठे बंसी वाले में कछु नहीं कही, तो माता नहीं कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही।
राधा बोली उधो, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं आज तक, लेकिन पता नहीं कन्हैया क्यों छोड़ के चले गए हमें। और बोली कौन राधा किससे, उधो से उधो। परसों का वायदा करके गए थे श्याम, लेकिन परसों की बारिश भी थी गई ना लौट सके नीरम। सुनील बिना श्याम के वृंदावन में और सूझे हमें न कोई मीने का छू नहीं कही, एक बात नहीं कही जुदाई की पीड़ा फिर कहे। राधा ने ये कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा उधो, पता नहीं कौन सी भूल बन गई। उधो ने कहा तुम चिंता न करो, और कन्हैया जरूर आएंगे, हम जा रहे हैं अब, काफी देर हो गई और कन्हैया से हम जब तुम्हारी बातें कहेंगे तो वो जरूर आएंगे। राधा सामने आ गई, अनजान होकर के एक सवाल कर दिया, कब आएंगे श्याम। उधो बोली कहा बोली कब आए हैं बंसीवारे भैया सुखवीर, कब हरे हैं बंसीवारे मुरली मनोहर मेरे साथ। लेकिन उधो तुम आ गए तो थोड़ी देर तसल्ली मिल गई हमें। गोपियां बोली उधो जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें नहीं मालूम है क्या दशा होगी हमारी। और गोपियां बोली कहा बोली के तारे गिन गिन के उधो रात कटेगी शांति।
पाती पढ़ी पढ़ी के पढ़ी पढ़ी के कोबिजा के साथ में उन्होंने रिश्ता जोड़ लिया, इसलिए मथुरा में जा करके हमारी याद नहीं है। कोबिजा सौती बनी गरवारी ताके पीछे आदि बिजारी मरी में तो कुढ़ी कुढ़ी के नैया कुढ़ी कुढ़ी बताते चले आप लोगों को। हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे सुनील भाई, पुल खरीद नगला भाट के रहने वाले हैं, और चिमटा बजा रहे हैं हमारे प्रदीप भाई जो मिलावली के रहने वाले हैं, और कलसिया बजा रहे हैं हमारे सुखवीर भाई, ये भी पुल खरीद नगला भाट के रहने वाले हैं। भैया नगला भाट के ढोलक मंधरे मंध चक
और सुखबीर भैया नगला भाटके कलसिया खनन खनन घटा महाराज जी गुरु हमारे आशीर्वाद नहीं दोगा। प्रमोद शास्त्री पिता हमारे नगला केवल ग्राम हमारे राजू शास्त्री नाम हमारो मैंने कथा दही दर्शाए अजय भैया ने मेरी कैसत सुंदर आज दही दर्शा जाने इन भैया को जिनकी ध्वजा रही लहराए और हमारा मोबाइल नंबर है 9690 31 12 39। फिर से ध्यान दें, हमारा मोबाइल नंबर है 9690 31 12 39। और आइए कारी नागिन बन के दसी छेला तेरी बाजुरिया ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719111456262।